जनाब मैं हैदराबाद बैठा हूँ, ज़मीन के शौक से हिसाब से मैं इस इलाके में आया। ये वो इलाका है जो बिल्कुल बंजर है, चारों तरफ जो है वो बड़े बड़े पहाड़ बने हुए हैं। यहाँ पे मैंने सोचा चैलेंज लेके ये ज़मीन मैंने ली कि यहाँ पे आबादी बहुत मुश्किल से होगी। यहाँ पे फीड के लिए किंजर झील नज़दीक थी लेकिन उसका पानी सही नहीं था और गवर्नमेंट की तरफ इजाज़त भी नहीं थी, तो हमने कोशिश करके केबी फीडर से इसका एक वाटर कोर्स मंजूर था लेकिन उसकी जो लीड थी बहुत दूर थी और ज़मीन ऐसी थी कि पानी आते ही वाटर कोर्स जो है ना वो फैल जाता था, जगह जगह से उसमें रोड़े पड़ती थी और पानी बाहर निकल जाता था। पानी की मुश्किलात को देखते हुए हमने फिर जो है एग्रीकल्चर सेंट डिपार्टमेंट से रब्ता किया कि हम किस तरीके से ये जो है वो पानी यहाँ पे पहुँचाए या ज़मीन को आबाद करे। तो उन दोस्तों ने बताया कि अभी जो वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट आया है सियापेप के हवाले से एक जो है प्रोजेक्ट है जिसके तरीके से आप जो है वो ड्रिप इरीगेशन के तरीके से आप जो है ना आबादी कर सकते हैं, जिसकी सहूलत ये थी कि हमें ज़मीन की लेवल करने की कोई ज़रूरत नहीं थी और पानी भी इतना वेस्टेज नहीं होता था। इसके साथ साथ मैंने एक 10 एकड़ का पहले भी टुकड़ा लगाया था लीमू के दरख्त का, लेकिन वहाँ के लिए भी पानी जो है वो बहुत मुश्किल से होता था। उस 10 एकड़ के लिए हमें जो है 12 से 14 घंटा डीजल इंजन चलानी पड़ती थी जिसके ऊपर जो है 1 लीटर फी घंटे के हिसाब से खर्च होता था। जब इन दोस्तों से कंसल्ट किया और जो है उन्होंने ड्रिप का सिस्टम में लगा के दिया, इस प्रोजेक्ट की फंडेड जो है वो वर्ल्ड बैंक ने की, इसमें से 60% जो है वो शेयर था वो गवर्नमेंट की तरफ से और वर्ल्ड बैंक की तरफ से 52% था, 40% जो था वो हमें एग्रीकल्चरिस्ट को खुद को देना था। वो दोस्तों के कहने पर हमने डिमांड ड्राफ्ट जमा कराया जिसके बाद इमिडिएटली एक किसी कंपनी के हवाले से यहाँ पे मटेरियल पहुँचना शुरू हो गया। इस प्रोजेक्ट के बाद वही पानी जो है वो फ़कत 2 घंटे हमारे लेता है, 2 घंटे में 25 एकड़ ज़मीन हमारी जो है वो पानी से सैयाब हो जाती है। पानी फ़कत पौधे को ही मिलता है, पानी ज़ाया नहीं होता। इस मुल्क में जो पानी की कमी है या हम लोग जो पानी के लिए त्रस्त हैं, तो सबसे ज़्यादा बेहतर प्रोजेक्ट यही है कि जो है कम से कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन हम जो है आबाद कर सकते हैं। और पानी देने के लिए इसमें सहूलत ये भी है कि खाद जो है वो ड्रम में डाल के फ़कत पौधे के पास मिलती है, खाद का भी ज़या नहीं होता। हम 10 एकड़ को 3 बोरी डालते हैं उसमें खाद और इसमें यहाँ पे 25 एकड़ को फ़कत 2 बैग में हमारा काम हो जाता है। और उसके अलावा ज़मीन में लेवल की कोई ज़रूरत नहीं होती, ज़मीन भले अनइवन हो, ये वो टुकड़ा है जहाँ पर हम खड़े हैं जिसके आबादी के लिए हम सोच भी नहीं सकते कि ये कभी जो है वो हरा भरा होगा। ये पाइपलाइन लगने के बाद पौधे लगाए हैं, इन पौधों को लगते हुए 3 महीने हुए हैं सर, तो 3 महीने में ये पौधे बता रहे हैं कि हम जो है वो 1 साल में 2 साल की ग्रोथ दिखाएंगे। और पानी हम एक छोड़ के दूसरे दिन भी देते हैं तो भी हमें जो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता और इतने खर्चा नहीं होता जितना जो 10 एकड़ पर खर्चा होता है। लेबर कास्ट यहाँ पर बहुत मुश्किल है लेबर एक, तो दूसरा लेबर का खर्चा बहुत कम आता है, एक ही बंदा है जो 25 एकड़ को देखता रहता है, अदरवाइज नहीं तो हमें कम से कम 4 बंदे लगाने पड़ते हैं यहाँ पर। मेरा सब दोस्तों के लिए ये पैगाम है कि जो ज़मीनें अनइवन हैं, जहाँ पे पानी की शार्टेज है, जहाँ पे लेबर की तकलीफ़ होती है, इस सब के लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि कम से कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनों को आबाद कर सकते हैं। वही जो बंजर ज़मीनें सूखी नज़र आती हैं वो आपकी दरख्तों से हरी भरी हो जाएंगी। ये जितना सिस्टम लगा है, इस सिस्टम को लगाने में मैं सिंध गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जो इस प्रोजेक्ट साथ जुड़े हुए लोग हैं, इन सब का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जिन लोगों ने मुझे गाइड किया, असिस्ट किया, मदद किया। इस सिस्टम लगाने में एक प्राइवेट कंपनी भी शामिल थी जिनका कोलाबोरेशन साथ, वो उन्होंने 1 साल के लिए इस प्रोजेक्ट को मेंटेन करना है। मेरे एक बंदे को उन्होंने बाकायदा ट्रेनिंग दी हुई है किस तरीके से पानी चलाना है, किस तरीके से पाइपों को वॉश करना है या किस तरीके से इसको डील करना है, और वो उनको मुसलसल 1 साल के इनको लुक आफ्टर भी उनका बाउंड है। वो है महीने 15 दिन आके कोई भी प्रॉब्लम होगा उसको आगे देखेंगे, लेकिन इसमें लगता नहीं कोई प्रॉब्लम होगा। 3 महीने हो गए, 3 महीने में उन लोगों ने एक दफ़ा विजिट किया लेकिन हमें कोई भी मसला पेश अभी तक नहीं आया। मैं फिर भी डिपार्टमेंट का, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, उनके साथ जितने भी ऑफिसर मुलाक हैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने ये जो है वो मेरे साथ साथ ये ना ये खिदमत भी की मुल्क की कि इस बंजर ज़मीन को हरा भरा बना देंगे। तो टाइम लगा, 1 साल या 2 साल लगे, लेकिन ये इंशाल्लाह बागात होंगे यहाँ पे। और ये सिस्टम अगर आगे चले, दूसरे लोग भी इसमें शामिल हो जाएं, तो ये पूरा मुल्क जो ग्रीन हो जाएगा और कम पानी में। ये जो रेशो हम लोगों ने निकाला है 100 एकड़ पे खर्चा होगा वो 10 एकड़ के टुकड़ा होगा आबाद, नहीं तो उसकी जगह भी 100 एकड़ ज़मीन हम आबाद भी कर बनाएंगे, बाग भी होगा और पानी भी होगा। तो हम पब्लिक को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, वो मीडिया के थ्रू, फेसबुक है, यूट्यूब है, टेलीविज़न है, केबल नेटवर्क है, पंफलेट्स हैं, इस तरह डॉक्टर साहब को भी ये पता चला कि यहाँ ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो है वो 60-40 की रेशो के हिसाब से सियापेप प्रोजेक्ट दे रहा है। मैं अपने काश्तकार भाइयों को बताना चाहता हूँ कि ये एक हकीकत है, आप लोग भी
आप काश्तकार भाई भी इस प्रोजेक्ट से भरपूर फ़ायदा उठाएं और अपनी बंजर ज़मीनों को अपने कम पानी होने की वजह से जो आबाद नहीं हो पा रही कम खर्चे से आबाद करें। दिन ब दिन पानी की शॉर्टेज हो रही है। ये जो ड्रिप सिस्टम हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट थट्टा के लिए जो सियापेप प्रोजेक्ट हैं, स्पेशली ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इनमें से फ़ायदा उठाएं।